क्या बताएं सर, हम लोग तो इतना परेशान इस अकाउंट में हुए, फर्जीवाड़ा जो हम लोग के साथ हुआ है। जब हमारे मैसेज आए, पहले तो हम सोचे कि पैसे हम लोग में नहीं डाला गया है, फिर जब मैसेज आया तो उसमें देखे सेंट्रल बैंक का है। जब जहां हम कभी खाते नहीं खुलवाए तो उस बैंक में पैसा आया कैसे? हम तो उस बैंक का पैसा वो दिए ही नहीं थे, अकाउंट नंबर बड़ौदा बैंक का दिए थे। तो उसमें तो जब वहां जाके देखे तो बोले कि आपका अकाउंट पैसा इसमें है। तो अब हम कहें कि इसको निकालने के लिए कहें कि वो आपको स्टाम्प करना पड़ेगा, गुड़गांव जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली में खाता खुला। घोटाले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि सुदूर इलाके की महिलाओं से 1,000 रुपए ठगने के लिए एक बड़ी फाउंडेशन इतना बड़ा कांड कर दिया, जिस पर एकाएक यकीन करना भी मुश्किल है। ये मामला सतना का है, जहां पर इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ महिलाओं के पास लाडली बहन योजना की राशि डिपॉजिट होने का मैसेज आया। मैसेज देखकर महिलाएं सकते में पड़ गईं, क्योंकि उन्होंने ये अकाउंट तो कभी खुलवाया ही नहीं था। बेचारी अपनी समस्या लेकर सीधा कलेक्टर के पास पहुंची, जहां कलेक्टर की जांच में इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। दरअसल साल 2015 में गुरुग्राम के एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन नाम की कंपनी ने सतना में प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोला था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था। इस दौरान उन महिलाओं के डॉक्यूमेंट्स लेकर उस कंपनी ने गुरुग्राम में सबके अकाउंट खुलवा लिए और केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में प्रदान की जाने वाली राशि को हड़प लिया। महिलाओं के वो अकाउंट सरकार के रिकॉर्ड में आज भी थे और उन्हीं में लाडली बहन योजना की रकम पहुंची। सर, ये 2015 में ये प्रधानमंत्री कौशल विकास के लिए कंपनी आई थी गुड़गांव से, एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फाउंडेशन। उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र के लिए मेरे से सांसद जी के कार्यालय में बात की थी, मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइडर बनाया गया था, प्रशिक्षण के केंद्र के लिए ऑफिस खोला गया था चित्रकूट चैरिटेबल हॉस्पिटल में, नीचे ऑफिस था इसका। इसके बाद इन लोगों का प्रशिक्षण के लिए सिलाई सेंटर के लिए 420 महिलाएं थी, जिनसे दो फोटो और आधार कार्ड लिया गया था। प्रशिक्षण केंद्र केंद्र में एक महीने प्रशिक्षण चला। इसके बाद ये था कि इनका डिप्लोमा आएगा और सिलाई मशीन इनको दी जाएगी, इनको कुछ भी नहीं दिया गया। पता चला लास्ट में कि इनका फर्जी अकाउंट, इनका साइन भी नहीं है और फर्जी साइन करके अकाउंट खोल दिया गया। कहाँ अकाउंट खोला गया? गुड़गांव दिल्ली में। तो फिर ये कुछ पैसा ही मिलना था कौशल विकास में इनको कंपनी, तो ये बात पहले से ये तय था कि 1,000 रुपये महिलाओं के अकाउंट में रहेगा, 9,000 कंपनी का प्लस जो भी खर्च उसमें हो रहा है वो 9,000 में वो किया जाएगा, लेकिन उसने 10,000 रुपये पूरा निकाल लिया। वो पैसा भी नहीं मिला? वो भी नहीं मिला। ऐसे कितने लोग थे जिनका पैसा? 2200 लोग ऐसे थे कि जिनका अकाउंट खुला हुआ है, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। कुछ महिलाएं हमारे पास आई थी, उनका ये कहना था कि उनकी मोबाइल में मैसेज आया है राशि प्राप्त होने का, और उसके बाद उन्होंने जब उस मैसेज के आधार पर संपर्क किया तो उनका ये कहना था कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाते में पैसे गई है और ये यहाँ का नहीं होके गुरुग्राम का बता रहा है। फिर उन महिलाओं से हम लोगों ने बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि 6 से 7 वर्ष पहले उन्होंने पीएम कौशल की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के सिलसिले में एसएचजी के तहत उन्होंने अपने खाता के लिए और कुछ आधार और पैन कार्ड उन्होंने उस प्रोग्राम्स के लिए शेयर किया था। तो चूंकि ये लाडली बहना योजना पूर्ण तरीके से काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और इस योजना में जो खाते रहते हैं और जिनका डेबिट रहता है उसमें पैसा फ्लो होता है और ये मैसेज उन्हीं के खाते में आया है, तो ये किसी प्रकार का फ्रॉड या किसी प्रकार की इसमें गफलत वाली बात नहीं है। केवल ये है कि उनका उन महिलाओं का खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो यहाँ का होकर नहीं है, बाहर है। उनकी सुविधाओं के लिए हम लोगों ने LDM महोदय से और संबंधित सेंट्रल बैंक के मैनेजर साहब से भी बात की है और संबंधित महिलाएं अपने उस खाते को बड़े आसानी के साथ वहां से। बहरहाल इस घोटाले का खुलासा हो चुका है, प्रशासन बैंक खाते की ब्रांच बदलने की बात तो कह रहा है, लेकिन अभी तक दोषी फाउंडेशन पर कार्रवाई की बात किसी ने नहीं कही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अनमोल मिश्रा की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।